नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा ये सुंदर सा बैग बनाने का एक आसान सा तरीका। आप जो ये बैग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने बचे हुए जो छोटा सा पीस होता है उसी से हमने रेडी किया है। ऊपर की साइड हमने यहाँ पे गोल्डन कलर मैच किया हुआ है, जो कि कढ़ाई के साथ वर्क के साथ मैच हो रखा है। हैंडल भी हमने सेम कलर के लगाए हैं और ऊपर जिप डाली हुई है। अंदर की साइड अंडरग्राउंड सिलाई रहेंगी, कोई सिलाई हमारी ओपन नहीं होगी जिसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने बैग देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो फैब्रिक लिए हैं। एक तो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा वर्क वाला फैब्रिक है, ये यूज करना है। एक हमने यहाँ पे प्लेन यहाँ पे टिश्यू वाला फैब्रिक आता है, जो कि बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, 70 से 80 रुपये मीटर मिलता है। इसमें से हमने छोटे छोटे दो पीस यहाँ पे लिए हैं और बेल्ट के लिए लिए हैं, हैंडल के लिए। तो इनमें से हम कटिंग कर लेते हैं और कुल्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक पीस लिया है वर्क वाला और इसके ऊपर हमने कुल्टिंग कर ली है। नीचे की साइड आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से हमने क्रॉस में इस तरीके से कुल्टिंग की है। बीच में हमने यहाँ पे रबड़ सीट लगाई है, नीचे अस्तर है और ऊपर हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरीके से हमने ये पीस यहाँ पे रेडी कर लिया है। साइज की बात करें तो ऐसे हमारा 20 इंच होगा 20 इंच और इस तरीके से यहाँ पे हमारा 16 इंच होगा 16 इंच। अब हमें दोनों साइड के लिए यहाँ पे गोल्डन पीस लगाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गोल्डन पीस जो आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये हमने जो बुकरम होती है पेस्टिंग वो पेस्ट की है। यहाँ पे जो साइज रखा है हमने इस तरीके से देखेंगे 2.5 इंच का हमने साइज रखा है चौड़ाई वाला। एक पीस हमारा इस साइड के लिए है और दूसरा पीस हमारा यहाँ पे इस साइड के लिए है। एक हमने यहाँ पे जिप ली है, जिप अटैच करेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड जिप लगाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे दो हमने गोल्डन के ही हैंडल बनाए हुए हैं। जो हैंडल हैं ये भी हमने नॉर्मल जैसे आप हमेशा मेरी वीडियो में देखते हो उसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो साइज हमारा यहाँ पे 21 इंच का हमारा यहाँ पे हैंडल होगा। तो यहाँ पे हमें हैंडल भी अटैच करना है, इस तरीके से यहाँ पे हैंडल अटैच करेंगे। ये सेंटर से यहाँ पे 4 इंच का गैप रख के हैंडल अटैच कर देंगे, एक इधर और दूसरा इधर। फिर ये पीस अटैच करेंगे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, मैं बताऊंगा। तो हैंडल अटैच कर लेते हैं और इन पीसों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे हैंडल अटैच करेंगे। ये देखिए ये है हमारे हैंडल, सेंटर में हमने 5 इंच का गैप रखना है, ये सेंटर का निशान है, और 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर का गैप रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ये गोल्डन पट्टी है बुकरम जिसपे हमने पेस्ट की हुई है, इसको हमें यहाँ पे रखना है इस तरीके से और यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे पीस आएगा। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है, किनारी की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए एक साइड हमने यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर ली है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड हमने यहाँ पे हैंडल लगा लिया है और पट्टी अटैच कर ली है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे ये करना है डबल, इस तरीके से डबल करेंगे इस पीस को अच्छे से और अच्छे से यहाँ पे मैच कर लेंगे, मिला लेंगे। और इसका हमें नीचे का बेस कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम जो बेस कटिंग करेंगे, इस साइड से हम 2 इंच रखेंगे ऐसे 2 इंच और ऐसे हम 1.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बेस आ जाएगा, यहीं पे हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो जैसे मैंने एक साइड यहाँ पे कटिंग की है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ऊपर की साइड से यहाँ पे बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे। अब ये हो जाता है हमारा मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है ऐसे, आप देखोगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे नीचे का अस्तर लगाना है। तो नीचे का अस्तर लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये ब्लैक फैब्रिक लिया है, हम इसी साइज का यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पे ये वाला देख रहे हो आप, इस तरीके से पहले नीचे की साइड यहाँ पे ब्लैक बिछाएंगे ऐसे अच्छे से, और फिर यहाँ पे ये वाला ऐसे पीस रखेंगे और इसके बराबर बराबर ही चारों साइड से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे नीचे की साइड ब्लैक पीस रख के ये भी कट कर लिया है। दोनों पीस हमारे कुछ इस तरीके से सेम साइज में कट हो चुके हैं। अब हमें फिर से मशीन पे चलना है और कैसे जिप लगाते हैं, कैसे इस बैग को तैयार करते हैं ये सीखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुके हैं मशीन पे। अब ये जो जिप है हमारी, सबसे पहले हमें यहाँ पे जिप इस तरीके से रखनी है ऐसे, और यहाँ पे लगानी है सिलाई ऐसे रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिंगल जो जिप है हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे अस्तर रखेंगे, अस्तर इस तरीके से रखेंगे, और इस बार इधर से हमें इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ये ध्यान रखें, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जिप जो होगी हमारी अंडरग्राउंड चली जाएगी, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो जिप अंडरग्राउंड चली जाती है। तो अब दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे जो जिप होगी हमारी इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, ये देखिए जिप हमारी यहाँ पे अंडरग्राउंड आ चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी साइड में भी जिप को अटैच करना है। तो फिर से हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए ऐसे ही जिप को रखेंगे यहाँ पे ऐसे अच्छे से, और यहाँ पे पहले हम सिलाई लगाएंगे सिंगल। सिंगल सिलाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, नहीं तो एक बार में भी हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ सकते हैं। ऐसे आपने रखना है और फिर से सिलाई लगानी है। तो जिप अटैच हो चुकी है, इस साइड हमारी बुकन में नजर आएगी। अब हम इस अस्तर को भी यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो पलट के हम यहाँ पे फिर से सिलाई लगाएंगे, और ध्यान रहे अस्तर और मेन फैब्रिक हमारे बराबर होने चाहिए इस साइड में। कई बार क्या होता है ये आगे पीछे हो जाते हैं, सभी से हो जाते हैं, गलती जो होती है किसी से भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे इसी सिलाई के ऊपर। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, एक साइड हमारा यहाँ पे अस्तर रहेगा, एक साइड हमारा यहाँ पे ये मेन फैब्रिक रहेगा। अब आपने यहाँ पे लगानी है साइडों की सिलाई, ये वाली दोनों चीज इस तरीके से यहाँ पे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो जिप वाला पार्ट होता है ये आप यहाँ पे ओपन कर ले ऐसे, अगर हम जिप वाला पार्ट ओपन कर लेंगे तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कंसील्ड जिप है, इसमें दिक्कत आती है बाद में ओपन करने में। जिप आप कोई भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड की हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, इधर भी और इधर भी। आपने सिर्फ सिलाई लगाते वक्त ध्यान ये देना है, एक हमने यहाँ पे 4 से 5 इंच का ये गैप छोड़ना होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 इंच का ये गैप छोड़ा हुआ है, ये हमारा बैग पलटने के लिए होता है, जिसमें से हम पूरा बैग अपना यहाँ पे पलट सकते हैं। अब हमें बनाना है बेस नीचे का, तो इस तरीके से यहाँ पे जो कोने हैं यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो हमारा नीचे का यहाँ पे बेस बन जाएगा ऐसे। आप यहाँ पे पकड़े और सिलाई लगा दें।
तो ये देखिए मैंने एक साइड का यहाँ पे ये बेस नीचे का बना लिया है। सेम ऐसे ही हम इधर और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे अस्तर में भी ये बेस बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों कोने हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है नीचे का बेस बनाते हुए। वो हमारे मेन फैब्रिक होगा, ये हमारा अस्तर होगा। अब हमें इनको आपस में जोड़ना है, तो आपस में जोड़ने के लिए ये वाला पोर्शन आपने ऐसे पकड़ना है और इस पोर्शन को यहाँ पे इस तरीके से रखना होता है। ये वाला इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ऐसे ऐसे रख के यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक साइड हमने यहाँ पे जोड़ दी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी यहाँ पे सेम ऐसे ही जोड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे रखना है और इस तरीके से यहाँ पे भी जोड़ देना है। तो इधर भी हमने जोड़ दिया है, इधर भी जोड़ दिया है। अब हमें इस बैग को पलटना है। तो जो आपने यहाँ पे गैप देखा था, जो मैंने छोड़ा था यहाँ पे, देखिए पूरा हाथ आ जाएगा। इसमें से ही हमें ये बैग को पूरे को पलटना होता है। और ध्यान रहे धीरे धीरे ये बैग पलटा जाएगा, इसमें ज़्यादा ज़बरदस्ती आप ना करें इसमें, क्योंकि ये हमने नीचे बेस जोड़ा हुआ है। अगर आप बेस नहीं जोड़ते तो आपको फिर आसानी से इस बैग को पलट लेते हैं, अगर बेस जोड़ते हैं फिर थोड़ी आपको यहाँ पे दिक्कत जरूर आएगी। तो ये देखिए दोस्तों बैग हमने यहाँ पे कर लिया है सीधा, और यहाँ पे नीचे का जो बेस होगा हमारा कितना प्यारा सा यहाँ पे बन करके तैयार हुआ है। गोल्डन कलर हमने वर्क से मैच करते हुए ऊपर की साइड लगाया है, और उसी कलर की हमने यहाँ पे बेल्ट, जो बेल्ट होती है वो भी लगा दी है हैंडल, और आपका इस तरीके से बैग भी बहुत ही प्यारा सा बन करके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से बैग बना सकते हो। जैसे छोटे मोटे कोई भी कपड़े होते हैं जिनको हम ये सोच के फेंक देते हैं कि ये हमारे वेस्ट हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी सी चीज़ बना सकते हो ये, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।